ताजपोशी के लिए ट्रंप न्यूयॉर्क से कल वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप लिंकन मेमोरियल भी गए, जहां उनके स्वागत के लिए म्यूजिकल कंसर्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का आयोजन चल रहा है। तो हर परफॉर्मेंस से पहले मैं थोड़ी हो जाती हूं, पर ये तो इतना बड़ा आई थिंक स्टेज है, प्रेसिडेंशियल वेलकम सेरेमनी है, तो आई थिंक एक्साइटेड बहुत ज्यादा थी मैं। एंड आई थिंक वंस यू वर ऑन द स्टेज यू वर जस्ट लाइक यू नो एनर्जेटिक एंड यू नो यू वर फीडिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द क्राउड। कटक में दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी शतक की बदौलत मेहमानों के सामने जीत के लिए 382 रन का टारगेट रखा था। इंग्लैंड टीम शानदार कोशिशों के बावजूद 8 विकेट खोकर 366 रन ही बना सकी। कटक का मैच टीम इंडिया के 2 सीनियर खिलाड़ियों के नाम रहा। मैच 25 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद युवराज और धोनी ने चौथे विकेट के लिए 256 रनों की भागीदारी की। युवराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए 127 गेंदों पर 21 चौके और 3 छक्कों के साथ 159 रन बनाए। धोनी ने 122 गेंदों पर 6 छक्के और 10 चौकों की मदद से 134 रनों की पारी खेली। श्रीलंका के दिलशान और संकारा के बाद 35 साल से ज्यादा उम्र में एक ही मैच में शतक ठोकने वाली ये दूसरी जोड़ी है। रनों के विशाल दबाव के बावजूद इंग्लैंड ने लड़ने का शानदार जज्बा दिखाया। मेहमान टीम के कप्तान मॉर्गन ने 81 गेंदों में 102 रन बनाए। जेसन रॉय ने 73 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली। जो रूट और मोइन अली ने भी अर्धशतक लगाया। भारत की ओर से अश्विन ने 3 विकेट लिए। युवराज सिंह ने कटक की शतकीय पारी को करियर का सर्वश्रेष्ठ पारी बताया है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद वनडे में शतक ठोकने वाले युवराज मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई को लड़कर वो यहाँ पहुंचे हैं उसके बारे में सिर्फ वो ही जानते हैं। लोगों ने उनसे भरोसा खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा कायम रखा। कटक में शानदार शतक ठोकने वाले युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान विराट कोहली ने जमकर तारीफ की। कोहली ने मैच के बाद कहा कि हम हैरान हैं कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती तो अंजाम क्या होता। कप्तान ने कहा कि टीम इंडिया अपनी क्षमता का 75% ही प्रदर्शन कर पाई, लेकिन दो महान खिलाड़ियों ने बखूबी मोर्चा संभाला। इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन ने लगातार दूसरी हार पर निराशा जाहिर की है। मॉर्गन ने कहा कि इंग्लिश टीम फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई, इतना करीब पहुंचकर जीत हासिल नहीं करना निराशाजनक है। मॉर्गन ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि इंग्लिश टीम लक्ष्य हासिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज बीसीसीआई के प्रशासकों की नियुक्ति करेगी। गौरतलब है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने और अदालत की अवमानना के आरोप में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया था। इस मामले में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को आज जवाब देना है। स्टीव स्मिथ की नाबाद 108 रनों की कप्तानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 263 रन बनाए। मेजबानों ने 5 ओवर रहते 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से हैंड्स कोम ने भी 82 रनों की शानदार पारी खेली। जल्लीकट्टू को लेकर हो रहे प्रदर्शन के सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। डीएमके ने राज्य भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। मद्रास बार एसोसिएशन ने भी आज अदालती कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला लिया है। जल्लीकट्टू समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगीतकार ए आर रहमान जल्लीकट्टू के समर्थन में आज उपवास रखेंगे। मदुरई की साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लक्ष्मी श्रवण कुमार ने अवार्ड वापसी का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की खबरों को विराम देते हुए आरएलडी ने अब साफ कर दिया है कि वो चुनावी समर में अकेले उतरेगी। आरएलडी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने अपना रुख बदल लिया है। आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने समाजवादी पार्टी पर यादव सिंह प्रकरण में बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। त्यागी ने साफ किया कि अब आरएलडी यूपी की तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे शिवपाल यादव काफी दुखी दिखे। शिवपाल ने कहा, मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, पर आपको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। शिवपाल ने कहा कि भीतर घातियों के पास धनबल है और जबकि हमारे पास सिर्फ नेताजी है। शिवपाल ने सभी से लग कर चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए AIIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यादव परिवार में जन्म लेते ही बच्चे का टिकट पक्का हो जाता है। प्रदेश का किसान बेहाल है और सैफई में नाच गाना हो रहा है।
समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक बंधु गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित अपने बुलंदशहर निवास पर समर्थकों के बीच जमकर रोते नजर आए। बीजेपी में शामिल होने में असफल रहे विधायक बंधु अब आरएलडी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। दोनों विधायकों ने समर्थकों से कहा कि वो जल्द अच्छी खबर देंगे और अच्छी खबर निश्चित ही बीजेपी और कल्याण सिंह के लिए बुरी होगी। ऋषिकेश की रैली में राहुल गांधी का फटा कुर्ता देखने के बाद वाराणसी के एक वकील ने कुर्ता सिलवाने के लिए डाक से कांग्रेस उपाध्यक्ष को 100 रुपए भेजा है। वाराणसी कचहरी के उप डाक घर के पैसा भेजने वाले वकील ने कहा कि राहुल गांधी की गरीबी देखकर मैंने उनकी मदद की बात सोची। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में 10 मिनट तक बिजली कटने से अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान 10 मिनट तक बिजली कटी रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। हालांकि बिजली कटौती के चलते बैठक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के डीजी ने एटीएस के आईजी और आईजी रेलवे को बिहार के मोतिहारी भेजा है। इससे पहले एटीएस की टीम ने मोतिहारी में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की। गिरफ्तार मोतीलाल पासवान ने पूछताछ में बताया कि उसने 7 अन्य लोगों के साथ मिलकर कानपुर के पास रेल पटरी को 2 बार नुकसान पहुंचाया, प्रेशर कुकर में विस्फोटक भरकर आईईडी तैयार किया। उसके बयान की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल में अब खाने की थाली सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी। ये सुविधा अस्पताल में ओपीडी के मरीजों, उनके अटेंडेंट, अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स को मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पताल में 10 रुपए की थाली की शुरुआत की। दक्षिणी दिल्ली में मालवीय नगर के नाले में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। डीडीए के सतपुला पार्क में बह रहे नाले के दोनों तरफ की दीवार के टूटने के चलते बच्चा नाले में गिर गया। पुलिस ने संबंधित विभाग की लापरवाही मानकर केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह को पकड़ा है। गिरफ्तार बदमाशों पर 150 से अधिक बाइक चोरी का आरोप है। गैंग के कब्जे से चोरी की 17 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड कर बेच देता था। पश्चिमी दिल्ली में बेखौफ चोरों का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों में ही अलग अलग थाना इलाकों में चोर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ताजा वारदात में तिलक नगर थाना इलाके में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। चोर 30 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईस्ट विनोद नगर इलाके में रहने वाली पीड़िता को आरोपी हेड कांस्टेबल पहले से जानता था और उसके घर आना जाना करता था। दिल्ली के विवेक विहार में छात्र और गुरु के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की ने बदनीयती से महिला टीचर को टॉयलेट में बंद कर दिया और फरार हो गया। शोर मचाने पर स्कूल के शिक्षकों ने टीचर को बाहर निकाला। पुलिस ने टीचर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में नशे में धुत बदमाशों ने खाना जल्दी नहीं देने के नाम पर जमकर बवाल काटा। बदमाश कुर्सी बर्तन फेंककर हंगामा करते रहे और रेस्टोरेंट कर्मचारी और मालिक की पिटाई भी कर दी। बदमाश इतने बेखौफ थे कि पुलिस को कॉल करने के बावजूद वहीं डटे रहे। बाद में लोगों के बीच बचाव करने पर बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में गुरुवार की रात एक बेकाबू कार तालाब में गिर गई। कार पर सवार 6 लोगों में से 4 को बचा लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। कार सवार सभी युवक दोस्त थे और पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी बेकाबू कार गौरी सरोवर में चली गई और गहरे पानी में डूब गई। बिहार के समस्तीपुर में हुए पत्रकार की हत्या के मामले में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों को 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी पत्रकार के भाई ने ही दी थी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल और 15 कारतूस बरामद किया गया है। 3 जनवरी को विभूतिपुर थाना इलाके में पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कैश बरामदगी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक कार से 50 लाख रुपए कैश की बरामदगी की। बरामद नोटों में ज्यादातर 2000 के हैं, जबकि कुछ 50 रुपए के हैं। कार सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस ने एक कार से 3,50,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने नोएडा के रहने वाले 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फतेहपुर सदर से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। विधायक शहर में 40 से 50 गाड़ियों का जुलूस निकाल रहे थे, जबकि अनुमति 10 गाड़ियों की थी। पुलिस ने जुलूस में शामिल 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया है, जबकि 2 गाड़ियों का चालान भी कर दिया।
अमेठी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापा मारकर बड़ी संख्या में साइकिलें बरामद की है। इन साइकिलों को चुनाव के दौरान बांटा जाना था और इन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर से बरामद किया गया है। प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति का करीबी बताया जा रहे शख्स के घर से साइकिलों की बरामदगी की गई है। लखीमपुर खीरी में उल्ल नदी के किनारे बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 5000 लीटर शराब बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी के सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई छापेमारी में बरामद शराब का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके से क्राइम ब्रांच ने 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डकैतों का गिरोह अब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार गिरोह की खासियत ये थी कि ये वारदात को अंजाम देने के बाद घर में मौजूद बच्चों को 100 रुपए का शगुन देकर जाते थे। गिरफ्तार 2 डकैतों पर पुलिस ने 12,000 और 5,000 का इनाम रखा था। वाराणसी के रामनगर इलाके में पुलिस ने एक डेंटल क्लिनिक पर छापा मारकर 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदेहास्पद हालात में पकड़ा है। मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने क्लिनिक पर छापा मारा। संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। डेंटल क्लिनिक का मालिक पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और उसके पास क्लिनिक चलाने के लिए जरूरी कागजात भी नहीं है। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर के एसडीएम नरेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एसडीएम को धमकी देने वाले ने खुद को गृह सचिव बताया। एसडीएम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गृह सचिव हूं सर। पुलिस के मुताबिक मामला जमीन की पैरवी से जुड़ा है। फतेहपुर पुलिस ने 2 युवकों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया और एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों का इलाहाबाद से अपहरण कर जिले के धाता थाना इलाके में रखा गया था और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब तक अपहरण के 5 और आरोपी फरार हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर वर्कआउट करते हुए एक वीडियो डाला है जो काफी वायरल हो रहा है। आलिया आए दिन अपने फैंस को फिटनेस का टिप्स इंस्टाग्राम के जरिए देती हैं और इस बार जारी वीडियो में आलिया उन्हें जंप करना सिखा रही हैं। अभिनेता टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी की सफलता के बाद अब इस फिल्म की सीक्वल बनाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रोड्यूसर्स ने फिल्म पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दबंग खान यानी सलमान खान इन दिनों बिग बॉस के मेकर से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल सलमान ने शो के फिनाले पर ओम बाबा को नहीं बुलाने को कहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शो में ओम बाबा को आमंत्रित किया गया है, जिससे सलमान खासे नाराज हैं और वो शायद फिनाले एपिसोड भी शूट नहीं करेंगे। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इत्तेफाक नाम की फिल्म साइन की है। ये फिल्म यश चोपड़ा की एक फिल्म की रीमेक है जो 1969 में बनी थी। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में सोनाक्षी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे।